तो अभी तक जो हमने अभ्यास किया उसको संक्षेप में अगर देखें तो हम अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। और इसमें हमने स्टेप वन पे अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, उसमें भी मूल रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। और ये अपने को दिखता है कि भाव मूल मुद्दा है कल्पनाशीलता में। भाव से ही विचार तय होते हैं, भाव और विचार से हमारा सुख दुख तय होता है, भाव विचार से हमारा व्यवहार तय होता है, हमारा कार्य हमारी भागीदारी तय होती है। तो इस भाव के प्रति सजग होना मेरे लिए एक मुख्य काम है, ये एक मेजर टेक अवे है, एक मेजर निष्कर्ष है इस अभ्यास एक का। एक बार ये काम अपने आप में होने लगे तो आगे के स्टेप्स पे काम चलता रहेगा। हम फंसते हैं जहां पे भाव की सजग नहीं होती है, विचारों में उलझ जाते हैं, फिर आगे के सारे स्टेप्स रुक जाते हैं। तो चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अभी तक जितनी हम लोगों ने चर्चा की, क्या उससे भाव के प्रति सजगता बढ़ी है क्या? अगर उसमें कोई कठिनाई आ रही हो भाव को देखने में, उस पर हम लोग अभी भी बात कर सकते हैं। ये एक बार हमारा अभ्यास हो जाए अपने भाव के प्रति सजग रहने का, तो अपने आप में काम चलता रहेगा। खुद ही हम मूल्यांकन करते रहेंगे, खुद ही अपने आप से प्रश्न करते रहेंगे, खुद ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकारते रहेंगे, खुद ही उसके परिमार्जन के लिए काम करते रहेंगे। तो दिखता है कि मुझे तो संबंध का, व्यवस्था का, सहअस्तित्व का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है। तो पार्ट बी में इस बात की हम जिम्मेदारी स्वीकारते हैं कि मुझे संबंध का चिंतन करने की आवश्यकता है, व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, सहअस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। जितना अभी तक हमने चर्चा किया था, आगे और चलेंगे इस पर। भैया, मैं एक शेयरिंग करना चाहती थी। अभी हम जो ये भावों को देखने का कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उससे बहुत सारी चीजें बदल रही है ना। वो कैसे बदल रही है उसको मैं शेयर करना चाहती थी। जैसे हम जी ये बिल्कुल बिल्कुल एक्सरसाइज करते हैं, उसमें ये जो स्टेप वन है कि हर समय अपनी कल्पनाशीलता को देखना है और स्पेसिफिकली उसमें अपने भाव को देखना है, तो अब इस एक्सरसाइज को भैया करते करते ये स्टेप वन अपने आप में बहुत क्रिटिकल स्टेप है, ऐसा पता चलता है। जितनी बार हम स्टेप वन को देखते हैं और फिर उसके कंटिन्यूएशन में बाकी सारे स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं और फिर स्टेप सेवन तक जाके फिर वापस स्टेप वन तक आते हैं, तो जो स्टेप वन है वो और रिफाइन होता जाता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो भैया, भावों को देखने के, भावों को इस कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करने के अभ्यास क्रम में मैं दो चीजों को अभी मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। एक तो ये जो भावों में वेरिएशन है ना, वो बहुत कम हो रहा है। जो अप डाउन होना चाहिए, होता रहता था पहले, वो भी बहुत कम हो रहा है। तो ये जो वेरिएशन का रेंज था, ये अप डाउन का रेंज था, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। जैसे पहले जब एक्सरसाइज किया और भावों को देखने की कोशिश करती थी, तो सिर्फ विरोध का भाव दिखता था। पूरे दिन में जब मेरे अंदर विरोध आता है या इरिटेशन या एंगर या ईर्ष्या आता है, तो वही भाव दिखता था। धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते कर, मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस कि अपनी कल्पनाशीलता को ज्यादा समय देखते रहने और अवेयर रहने के क्रम में, अब मेरा ध्यान धीरे धीरे थोड़ा संबंध की ओर जा रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जैसे आप बार बार पूछते हैं ना कि कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार है, तो हम आंसर तो यही देते हैं कि संबंध का, व्यवस्था का और सहअस्तित्व का। पर इसको हम देख पाते हैं कि नहीं, वो इसको मैं अब देख पा रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जैसे जब संबंध का भाव बोल रहे हैं, तो उसको अभी हम एक ब्रॉड सेंस में बोल रहे हैं। अगर उसको रिफाइन करें तो मैं संबंध के भाव को कैसे समझ पाई, कि जब हम भावों को निर्वाह के स्तर पर देखते हैं ना, तो तीन जगह पर निर्वाह करके देखते हैं। एक, मेरा शरीर के साथ निर्वाह करते समय मेरा क्या भाव है। दूसरा, मानवेतर प्रकृति के साथ निर्वाह करते समय मेरा क्या भाव है। और तीसरा, मानव के साथ निर्वाह करते समय मेरा क्या भाव है। मैं उसको तीन तरीके से अलग अलग देख पा रही थी। जब इतना टाइम उसको ऑब्जर्व किया, फिर मैं ये पता लगा पाई कि इस तरीके से भी निर्वाह हो रहा है। तो जब मैं शरीर के साथ निर्वाह करती हूँ और उस समय अपने भावों को देखती हूँ, और जब मेरा भाव पोषण और संरक्षण का होता है, तो मेरा निर्णय एक प्रकार से होता है। जब मेरा भाव भोग का होता है, तो मेरा निर्णय अलग प्रकार से होता है। तो आप ये जो बार बार हम लोग का ध्यान दिला रहे थे ना, कि विरोध के भाव के साथ हमारा निर्णय एक तरीके से होता है, संबंध के भाव के साथ हमारा निर्णय अलग तरीके से होता है, एग्जैक्टली वही चीज मैं शरीर के साथ निर्वाह करते समय देख पा रही हूँ। कि मेरा भाव पोषण संरक्षण का है, तो मैं शरीर के साथ क्या प्रोग्राम कर रही हूँ। जब मेरा भाव भोग का है, तब मैं क्या कर रही हूँ। फिर भैया, उससे और थोड़ा रिफाइन करें, तो फिर ये भी पता चलता है कि अगर मेरा पोषण संरक्षण का भाव है,
तो शरीर को पोषित और संरक्षित करने के लिए मुझे कितनी सुविधाओं की आवश्यकता है वो इजीली निश्चित हो जाता है। फिर उसके लिए मुझे बहुत भागना नहीं पड़ता है। तो पोषण संरक्षण के भाव के साथ सुविधाओं का निश्चयन भी इजीली हो जाता है। अगर भोग का भाव है तो फिर वो सुविधाएं मेरे को अनलिमिटेड चाहिए। तो हमारा जो बार बार क्वेश्चन आता है कि हम अपनी सुविधाओं की आवश्यकताओं को कैसे निश्चित करें, वो भी अगर भाव ठीक है तो वो इजीली निश्चित हो जाता है। फिर उससे बियॉन्ड और देखे तो पोषण संरक्षण के भाव के साथ अब मेरे को कितनी सुविधाओं की जरूरत है वो निश्चित हो जाता है। तो उस सुविधाओं के उपार्जन के लिए मुझे क्या कार्यक्रम करना है, तो वो कार्यक्रम भी निकल के आता है। तो हम जो बार बार आपसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, इसमें हम क्या करें, तो भाव निश्चित होने के साथ साथ आवश्यकताएं भी निश्चित हो जाती है। मुझे कौन सा कार्यक्रम करना है, कौन सा मैं नई जुड़ना है वो भी निश्चित हो जाता है। कौन सी जगह पर मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, मुझे मैं के विकास के लिए कितना करना है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना करता है। तो एक भाव के पता चलने से भैया ये सारा सीक्वेंस सेट हो रहा है ऐसा मैं देख पा रही हूँ। फिर बहुत दूसरा बढ़िया भैया, हाँ भैया, और अब एक थोड़ा सा और है। फिर जी जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे मानवेतर प्रकृति के साथ निर्वाह करती हूँ तो उस समय मेरा भाव अगर उसके मानवेतर प्रकृति के सदुपयोग का, संरक्षण का और संवर्धन का रहता है तो फिर मेरा निर्वाह और निर्णय एक प्रकार का रहता है। अगर उसको यूज करना है, ऐसी मेंटालिटी है मेरा, उसका भोग करना है तो फिर मेरा निर्वाह और निर्णय अलग प्रकार का रहता है। सेम वे मैं जब मानव के साथ भी निर्वाह करती हूँ तो उस समय दूसरे से मैं भाव पाना चाहती हूँ, ये भाव सम्मान, विश्वास, स्नेह, ये भाव मुझ में स्थापित हो जाए, ये मैं करना चाहती हूँ, तो फिर मेरा निर्णय अलग प्रकार का हो जाएगा। तो भैया ये निर्वाह करते समय ये जो रोज की घटनाओं को देखकर मैं ये पता लगा पाई कि इस तरीके से मैं निर्वाह करती हूँ, तो भाव का स्थिर होना कितना इम्पोर्टेंट है और उसके होने से मेरे जीने में बहुत नोटिसेबल चेंज होता है, इसको भैया मैं रिफ्लेक्ट कर पाई अब जाके, इतने टाइम से कर रही हूं तब। तो ये मैं शेयर करना चाहती थी भैया। बहुत ही बढ़िया दीदी, आपने तो संक्षेप में पूरी बात का निचोड़ ही रखा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा और भैया जी। एक बात फिर इसके साथ भैया, इस बात को मैं कल शेयर करना चाहती थी तो कल टाइम हो गया था तो मैंने सोचा मैं आज कर दूंगी। तो फिर भैया मैं ये भी देख पाई कि पहले जब मुझे शेयर करना होता था ना तो मैं बहुत एक्साइटेड मूड में रहती थी और अगर नहीं कर पाई ना तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता था। कल मैं ये भी देख पाई कि ये भी मुझे नहीं हुआ कि कल नहीं किया तो ठीक है मैं आज कर लूंगी। तो वो जो एक्साइटमेंट और डिप्रेशन वाला जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट जो अप डाउन में बोल रही थी वो भी कम हो रहा है। फिर एक और चीज भी मैं देख पाई कि जैसे कल पहले मैं शेयर करती थी तो मेरे मन में डीप ऐसा रहता था कि कोई उसको अप्रिशिएट करे या कोई बोले कि हाँ तुमने अच्छा बोला, अब वो वाला पार्ट भी बहुत कम हो रहा है। वो तो रहा है पर कम हो रहा है। तो जो विशेषता वाला पार्ट है वो भी कम होता जा रहा है, हो रहा है पर कम हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ भैया। तो ये स्टेप वन भैया बहुत क्रिटिकल है और मुझे लगता है अब ये स्टेप वन ही है जो कंटिन्यूअसली पूरे लाइफ टाइम करना रहे करने की जगह है, ऐसा भैया मैं देख पा रही थी अभी। बहुत ही बढ़िया दीदी, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया। अगर हम इस अभ्यास से एक बार गुजरते हैं ना, तो स्टेप टू टू स्टेप सेवन तो ध्यान में रहता ही है। मुख्य बात यह है कि हम भाव पर सजग हो जाएं, अपने आप में जांच लें, है ना। और यदि ये भाव हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं है, तो सहज रूप से स्वीकार क्या है इसको देख लें और उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करें। कुल ही काम इतना है और उसमें मूल काम है कि भाव पर सजग बने रहें। तो ये हम अगर बने रहते हैं ना, तो धीरे धीरे ब्लॉक बी वन में गति बनने लगती है, क्योंकि परिमार्जन यहीं से होना है। भाव में चित्रण से चिंतन की ओर जो जाना है, तो परिमार्जन तो यहीं होना है, हाँ तो उसको हम भैया, पूरा हाँ आप जो करते ये क्वेश्चन सिक्स स्टेप सिक्स में भी हम पूछते हैं ना कि हमको कौन सा भाव सहज स्वीकार है, तो आंसर तो हम यही देते हैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का। बट जीते समय ये भाव मेरे में है कि नहीं, इस बात को तभी देख पाते हैं जब हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर रहते हैं। आंसर में तो हैं। हमको वही आता है, आप जो बोलते हैं ना इसको मान मत लीजिए, ये अब आपके सेंटेंसेस भी मेरे को समझ में आते हैं कि आप किस जगह से बोलना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही बढ़िया जी, ठीक है भैया। बहुत ही बढ़िया। एक चैट बॉक्स में प्रश्न है कि दर्शन, दृश्य और दृष्टा क्या है।
तो दृष्टा तो मैं हूं, दृष्टा आप हैं, दृष्टा हर चैतन्य इकाई है, दृश्य पूरा अस्तित्व है, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व को ही देखना है, और देखने की जो क्रिया है वो दर्शन है। तो इस प्रकार से है, तो चैतन्य इकाई दृष्टा है, समूचा अस्तित्व दृश्य है, और उसको जो देखना है वही दर्शन है। उसी को हम प्रस्ताव रूप में रख देते हैं तो अगले के लिए अध्ययन के लिए वस्तु मिल जाती है। कुल बात इतनी ही है। तो हम सभी दृष्टा पहले से ही हैं, दृश्य पहले से उपलब्ध है, दर्शन करना है। दर्शन करने का मतलब चिंतन बोध अनुभव को जागृत करना है, यही कुल करने का काम है। इसी के अर्थ में निर्णय लेने हैं, स्वयं में भी और परस्परता में भी। तो स्वयं में भी मुझे यही कार्यक्रम दिखाई दे, परस्परता में भी इसी को पूरा करने के क्रम में मुझे निर्वाह करना है, ये मुझे दिखाई दे, यही कुल करने का काम है जी। तो हम लोगों ने जो असाइनमेंट लिया है स्टेप 6 में, कि देखिए क्या मेरे अंदर हर मनुष्य के प्रति हर क्षण संबंध का भाव बना रहता है, क्या मेरे अंदर हर क्षण व्यवस्था का भाव बना रहता है, क्या मेरे अंदर हर क्षण सहअस्तित्व का भाव बना रहता है। संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व, ये तीन शब्द हैं जो हम बार बार दोहराते रहे हैं। बहुत ही संक्षेप में बहुत सारी बातें इसमें शामिल हो जाती हैं, और मूल मुद्दा तो सहअस्तित्व को देखने का है। परंतु जब हम इसको समझने जाते हैं तो इसके विस्तार में बहुत सारे भाव विचार तैयार होते हैं, बहुत सारे प्रश्न तैयार होते हैं, बहुत सारे जीने से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान जाता है। फिर एक एक मुद्दे को हम विश्लेषित करके, तुलन करके, चित्रित करके देखने जाते हैं, क्या इसमें मेरा भाव सहअस्तित्व का ही है या अन्यथा है। तो इसको हमें बार बार अपने अंदर करते रहना है, बार बार इस पर ध्यान देना है। अभी ऐसा करते हैं, 10 मिनट का समय लगाते हैं, पुनः इस पर ध्यान देते हैं। तो कल जितने भी संबंधों का हमने निर्वाह किया उसको ब्रीफली अगर अपने अंदर हम रिकैप कर लें, हो सकता है कल कम से कम 20-25 लोगों के साथ हमने निर्वाह किया, संवाद किया, इंटरेक्ट किया, देख लें कि क्या हर व्यक्ति के साथ हर क्षण मेरे अंदर संबंध का ही भाव था या नहीं था। अभी संबंध से शुरू करें, संबंध को लेकर जब प्रश्न और तैयार होंगे तो उस व्यवस्था पर भी ध्यान देंगे। तो 10 मिनट का समय लगाते हैं अपने अंदर देखने का। हम में से कई साथी इसको नियमित रूप से कर पा रहे हैं, कई साथी हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर की व्यस्तता में ध्यान से उतर जाता है। तो ये सुबह में जो हम समय लगाते हैं ये एक अवसर है अपने लिए, कि अगर अवसर कल नहीं मिला तो अभी इसको कर लें ताकि पुष्ट हो जाए हमारा यह अभ्यास। फिर आज प्रयास करेंगे इस पर ध्यान बना रहे, इस पर काम करते रहें जी। इसलिए 10 मिनट के ऑब्जर्वेशन से यदि कोई नया प्रश्न बना हो। नमस्ते जी। मैंने देखा कि कल संबंध का भाव इसको देखा, तो मेरा एक प्रश्न भी है, मेरे क्या संबंध के भाव से मैं कैसे सोच रहा हूँ, ये भी मैं, क्या ये सही है, क्या आप बता सकते हैं? क्या कि आज शाम को एक बर्थडे पार्टी है, तो वो हमारे कॉलेज में एक फैकल्टी जो है उनके लड़के का है फर्स्ट बर्थडे, बना रहे हैं थोड़ा एक फंक्शनल में से बना रहे हैं। के जाने के विचार में मैंने सोचा कि अगर लेके जाऊंगा तो शी विल बी हैविंग एक्सपेक्टेशन दैट आवर सन्स बर्थडे, पहले फर्स्ट बर्थडे हम बना नहीं पाए, वो घर का शिफ्टिंग कर रहे थे तो नहीं कर पाए, सेकंड बर्थडे तो बड़ा करना है, ऐसे उसको भी मन में लगेगा तो उसको नहीं लेके जाना, अवॉइड करूं, ऐसे मेरे मन में विचार चले, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या सब कुछ मेरे सोच में या मेरे भाव में जब जी। देखिए तो मुझे आपके मित्र हैं उनके प्रति संबंध के भाव के साथ देखें तो उसमें शामिल होना बनता है, उसमें शामिल हो जाएं जी। और उसके साथ आपको एक रिस्क जो लग रहा है कि अगर ऐसा सेलिब्रेशन हमारे घर वालों ने देखा तो कहेंगे कि हमें भी ऐसे सेलिब्रेट करना है जी, जी, तो जी। मित्र के लिए एक तरह का कार्यक्रम बनाएंगे, कार्यक्रम मूल रूप से तो सेम होगा परंतु उनके साथ अभी समझने समझाने का अवसर नहीं है, उसको अटेंड कर लेंगे, बट परिवार के साथ बैठ के इन मुद्दों पर जरूर चर्चा करेंगे कि इसे क्या सार्थकता है, इसका क्या और सार्थक स्वरूप हो सकता है,
इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन इस प्रकार से करना आवश्यक है या अनावश्यक है। तो यदि परिवार से ही जा रहे हैं तो जाएं, शामिल हो जाएं, परंतु लौट के फिर परिवार से चर्चा करें कि इसका कोई सार्थक स्वरूप हो सकता है कि नहीं, और यदि संभव हो तो परिवार को मोटिवेट करें कि वर्कशॉप कर लें ताकि बेसिक इश्यूज पे क्लैरिटी बन जाए। नहीं जाना तो उतना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उससे फिर आपके मित्र को लगेगा कि आपके अंदर उनके प्रति संबंध का भाव नहीं है, नहीं तो शामिल हो जाए। तो इसमें क्या होता है, ऐसे अवसर पे ना पत्नी के साथ भी संबंध है, मित्र के साथ भी संबंध है, अपने साथी सहयोगी के साथ भी संबंध है, तो हमें हर संबंध में अपने आप में यही निर्णय लेना होता है कि मुझे दूसरे को सुखी करना है। ठीक, दूसरे के सुख के अर्थ में मेरी क्या भागीदारी हो सकती है उसको वर्कआउट करना है। तो यदि लगता हो कि एक को एक के लिए जब मैं सुख का कार्यक्रम बनाता हूं तो दूसरा व्यक्ति अगर उससे प्रभावित हो रहा है तो उस प्रभाव से निकालने के लिए भी क्या करना है, वो भी कार्यक्रम तय करना होगा अपने को। यदि अपना निजी परिवार प्रभावित हो रहा है उससे तो उसके लिए क्या कार्यक्रम बनाना, उसको भी वर्कआउट करेंगे, उसको भी तय करेंगे। शेष तो ऐसे परिस्थितियों में तो निर्णय तो हम ले ही सकते हैं निर्वाह के अर्थ में, वो वहां की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप तय कर सकते हैं। बट हमारा भाव का निर्णय हो सकता है इसमें कि मैं अपने मित्र को सुखी करना चाहता हूँ, उस अर्थ में क्या करना बनता है, पत्नी को सुखी करना चाहता हूँ, उस अर्थ में क्या करना बनता है, बच्चे को सुखी करना चाहता हूँ, उस अर्थ में क्या करना बनता है। तो कई बार ये होता है कि एक संबंध में जो हम प्रयास करते हैं दूसरा संबंध उसे प्रभावित होता है, तो उस प्रभाव को हम कैसे मूल्यांकित करने में सहयोग करें उसके लिए भी योजना बनानी पड़ती है। जी प्रोग्राम मैंने उसके बारे में जो योजना करना है वही प्रोग्राम जी प्रोग्राम हाँ, तो अगर परिवार प्रभावित हो रहा है ना, तो या तो प्रोएक्टिवली उनको बता के जाएं कि वो लोग बहुत इस तरह से कर रहे हैं बट मेरी दृष्टि में तो ये अनावश्यक है, इस धन का सदुपयोग हो सकता है ना, कुछ परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, या इसका एक बेहतर स्वरूप हो सकता है। इतना सारा जो हम वेस्टेज करते हैं लाइट साउंड है ना, इन सब चीजों में उसकी जरूरत नहीं है। हम दिन में सभी साथ बैठे एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं दें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को मित्रों को बुलाएं अगर उसको सेलिब्रेट करना है तो, है ना, और कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाए जिसमें कुछ सार्थकता हो, उन्हीं शब्दों को बोला जाए जिनका कोई अर्थ हो, सार्थकता हो। अभी तो अब छोटे छोटे सेलिब्रेशन में भी लोगों ने इतना ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है और उसके साथ बहुत सारा अनिष्ट कार्यक्रम भी शुरू हो गया है ना, खाना पीना और ये सब चीजों में डांस और इत्यादि। अब वो धीरे धीरे क्या होता है कि जब मनुष्य को सुविधा का भाव होता है तो दुखी और परेशान होता है, बट एक बार जब सुविधा होने लगती है उसका दुरुपयोग शुरू कर देता है। अब दिशा ऐसी बन गई है, तो पहले सिर्फ शादी ब्याह की चिंता थी, है ना, अब ऐसे हरेक अवसर पर खर्च करना है, पहला बर्थडे है तो भी, दूसरा है तो भी, तीसरा है तो भी, मैरिज एनिवर्सरी है तो भी, ठीक, और फिर दूसरे पे दबाव भी बनाना है। और आगे बढ़े तो कॉर्पोरेट कल्चर में ये होगा कि जब भी वीकेंड आए तभी ये सब करना है, पार्टी करनी है, ये सब करना है। तो मूल बात इतनी है कि जब मनुष्य को सुविधा का भाव होता है तो दुखी और परेशान होता है, बट जब एक आवश्यकता से अधिक सुविधा होने लगती है उसका दुरुपयोग करने लगता है। तो हमें दुरुपयोग नहीं करना है, ये बात अपने को समझ में आए, और सदुपयोग कैसे करना है ये भी समझ में आया, और अगले को समझने में सहयोग भी करेंगे परिवार में, तो बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि परिवार में लोगों को समझ में आए। परिवार में भी क्या होता है, यदि हम अपना निर्णय रख देते हैं कि ऐसा नहीं करना और ऐसा करना है तो परिवार परेशान होता है, परंतु यदि हम उनमें जांचने समझने की प्रक्रिया को शुरू कर पाए तो समय के साथ वो भी चीज को देख पाते हैं और उसके बेहतर स्वरूप को तय कर पाते हैं। जी जी प्रोग्राम मैंने यही आपने जो किया जी जी प्रोग्राम आप अभी आपने जो विवरण किया है वो प्रोग्राम के रिलेटेड ही किया है जी। हाँ हाँ जी जी देखिए हमें से हर व्यक्ति को अपना कार्यक्रम निश्चित करना होता है कि मेरा अपना कार्यक्रम क्या है, मेरी भागीदारी क्या है, उस अर्थ में हम सारे निर्णय लेंगे। तो मेरी भागीदारी तो समझ और संबंध के अर्थ में है। अब अगले व्यक्ति का जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है उसके अनुसार हम अभी सामयिक रूप से कुछ निर्णय लेंगे, परंतु साथ ही उसे कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए काम भी करेंगे।
चाहे परिवार हो चाहे साथी सहयोगी हो, है ना, हर एक के लिए काम करेंगे। गुस्सा जो है, इरिटेशन, वो कैसे शांत होगा? बात बात में, बात बात में, थोड़ी सी देर में, मतलब एक होता है धीरे धीरे टेम्पर हाई होता है जब भी बात होती है, और वो ये कह देते हैं मुझे मुझे नहीं करनी आपसे बात, मुझे नहीं करनी आपसे बात। तो ये वाली जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, वो मैं नहीं समझ पा रही। देखिए उसका कारण ये है, केयर के साथ गाइडेंस का निर्वाह जरूरी है। तो आपने उनको अपने बच्चे की तरह देखा, है ना, केयर किया, तो आपने उनको अपने बच्चे की तरह देखा, केयर हाँ किया, हाँ, परंतु उसका जो गाइडेंस होना चाहिए था वो शेष है। तो इसमें एक काम तो हम अपने ऊपर करेंगे कि अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करेंगे, ठीक, कि अगर आपसे भाव में, विचार में, व्यवहार में कोई चूक हो रही है तो उसको तो आपको ठीक करने की जरूरत है। और ठीक करने का मतलब ये भी यही है कि जो संबंध है, व्यवस्था है, अस्तित्व है, उस अर्थ में इसको सुनिश्चित करेंगे अपने भाव विचार व्यवहार को। दूसरा, अपने संबंधी के साथ जो अभी हम निर्वाह कर रहे हैं, यदि हम उसमें समझ पे काम ना करें अगले व्यक्ति के, तो निर्वाह में उभय सुख कभी होगा नहीं, क्या निरंतरता नहीं होगी। सामयिक रूप से कभी हो भी जाए तो निरंतरता नहीं होगी, और काफी संभावना ये भी होती है कि अभी जिस प्रकार से दूसरा व्यक्ति सुखी हो रहा है और यदि उसमें समझने की प्रवृत्ति नहीं है तो वो कुछ ऐसी आशा बना लेता है जो आगे उस संबंध में समस्या पैदा करती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है केयर के साथ गाइडेंस का भी निर्वाह। तो जैसे आप 30 साल से हैं और इतने सारे लोगों के साथ निर्वाह करते रही हैं, है ना, उनको अपना परिवार का सदस्य के रूप में देखते हुए, कई लोगों को अपने बच्चे की तरह देखते हुए, तो उनके समझ के लिए हमने क्या काम किया अभी तक, इसको देखना होगा। क्या हुआ कि किसी भी संबंध में, जी किसी भी संबंध में जब हम एक दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का प्रयास करते हैं, उस संबंध में वह सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली है वो परतंत्रता। ये किसी भी संबंध में होगा, है ना, माता पिता संतान हो, पति पत्नी हो, मित्र हो, भाई बहन हो, किसी भी संबंध में यदि हम एक दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने में लगे हुए हैं तो उसमें सुख की निरंतरता नहीं होगी। अल्टीमेटली सुख का स्वभाव के रूप में स्थापित होना बनता है, और तभी होगा जब दोनों साथ साथ ज्ञान के लिए काम करें। तो अब ज्ञान के लिए जब हम काम करते हैं तो हम एक दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से स्वयं में सुख को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है कि हम जब एक दूसरे के सहयोग से स्वयं में सुख देखने का प्रयास करते हैं, सही समझ, सही भाव के स्तर पे, तो एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं, नहीं तो हम एक दूसरे के परतंत्र हो जाते हैं। फिर है ना, वो जो कि अपेक्षा बढ़ती रहती है, अपेक्षा समझ के भाव में निश्चित नहीं होती, वो एक समय के बाद पूरी होती नहीं है, और जब वो पूरी नहीं होती तो शिकायत से भर जाते हैं, ठीक। फिर उसको कितना भी सॉर्टिंग करिए निकलता नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई है ना, देखो तुमने वो गलती की थी, उसने कहा कि उससे पहले आपने ये गलती की थी, फिर वो चलता रहता है सीरीज, है ना, और फिर वो गलती पे गलती निकालते जाइए, उससे कुछ निकलता नहीं है। तो बेहतर है कि हम साथ साथ सुखपूर्वक जीने के लिए स्वयं में सुख के स्रोत को देखना शुरू करें, बजाय इसके कि एक दूसरे से सुखी होने का प्रयास करें। ये हर संबंध के लिए लागू होता है। जी जी, देखिए इसके कितना भी आप एनालिसिस करें ना, अल्टीमेटली जब तक हम समझ के लिए काम ना करें, तो ये सब जो भी हम अभी कुछ थंब रूल्स बनाते रहते हैं, जिसको अपना मानते हैं उसी पे गुस्सा करते हैं, ठीक है ना, और ऐसा है वैसा है, इन सब चीजों से अल्टीमेटली उभय सुखपूर्वक जीने की कोई योजना कार्यक्रम बनता नहीं है। हम में से हर व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है समझ, तो हर व्यक्ति के लिए ये कार्यक्रम बनाना बनता है। यदि आप परेशान हो रही हैं अपने आप में तो आपको समझने की आवश्यकता है, अगर वो सज्जन परेशान हो रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता है, अगर टेम्पर लूज कर रहे हैं तो उनको अपने भाव पे काम करने की आवश्यकता है। ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यही समाधान है। क्योंकि मैं अपेक्षा कर रही हूँ सामने वाले, वही देखिए बातें लौट के फिर वही आएंगी, है ना, कि सुख स्वभाव है कि प्रभाव, और स्वभाव शब्द का जिस रूप में आप प्रयोग कर रही हैं, यहाँ जो कहा जा रहा है थोड़ा भिन्न है। तो अभ्यास एक बात है, स्वभाव अलग चीज है। स्वभाव मतलब स्वयं स्वीकृत भाव, यानी जो हमारा इनेटनेस है, जो स्वत्व है, उसकी बात हो रही है। तो आपको अपने ऊपर तो काम करने की जरूरत है ही, और जब हम अपने ऊपर सिंसियरली काम करते हैं तो हमारा जीना भी एक प्रस्ताव बन जाता है दूसरे के लिए, दूसरा भी
हमारा मूल्यांकन करते हुए पाता है कि हम सुख के स्रोत को स्वयं में देखने जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति उससे प्रेरित होता है। तो करने का काम इतना ही है कि हम स्वयं में सही समझ सही भाव के लिए काम करें, दूसरे में सही समझ सही भाव इंश्योर करने के लिए सहयोगी हो जाए, तो दूसरा व्यक्ति भी समझना ही चाहता है कि हमको दिखाई दे, है ना। अभी आश्वस्ति नहीं बन पा रही इसलिए हमसे नहीं समझ रहा है, तो हमसे नहीं समझ रहा है एक बात है, समझना नहीं चाहता ये अलग बात है। जी खैर, जितनी बात हुई इस पर आप ध्यान देंगी तो आपको दिखाई देगा कि अपने ऊपर काफी स्कोप है काम करने का, और अभी तक जिस तरह से हम संबंधों का निर्वाह करते रहे उसमें भी काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। क्या है, अभी मान्यताओं के मिल जाने से, संवेदनाओं के अभ्यास को मिल जाने से हमारे संबंध कई बार ठीक ठीक चलते हुए दिखाई देते हैं, बट वो मौलिक रूप से ठीक होते नहीं है, क्योंकि वो मान्यताओं में कभी न कभी भेद आ जाता है, अभ्यास में कभी कभी ना भेद आ जाता है, और फिर हम समस्याग्रस्त हो जाते हैं। तो सुख का स्रोत सही समझ सही भाव ही है, ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, मेरे लिए भी मेरे संबंधी के लिए भी। जी यही कुल करने का काम है। सही जी, पहले की तरह संबंध रहे ऐसा नहीं, सही समझ सही भाव के आधार पर संबंध रहे, ना पहले की तरह ना बात की तरह। अच्छा जी 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 भैया। हाँ, तो कई बार हम जो मानदंड बनाते हैं वो भी गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि पहले की तरह संबंध का निर्वाह करना है। पहले हो सकता है मान्यता मिल जा रही थी, ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा था, अब नहीं मिल रही तो आप उसको लक्ष्य ना बनाइए, लक्ष्य बनाए कि मुझ में सही समझ सही भाव हो, अगले व्यक्ति में भी सही समझ सही भाव हो, यही लक्ष्य है, यही सबके लिए कॉमन लक्ष्य हो सकता है। नहीं तो फिर एक एक संबंध को पूरा करने में थकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, एक को तृप्त करने जाते हैं तो दूसरा तृप्त होता है, दूसरे को तृप्त करने पहला तृप्त होता है। आपके विभाग के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि हार्मनी रहे, तो ये बहुत आवश्यक है कि आपके विभाग का हर व्यक्ति कम से कम एक बार इस पूरे कंटेंट को ठीक से सुन पाए, और आप लोग की आपस में वीकली मीटिंग्स कम से कम हो, जिसमें आप इस कंटेंट को लेकर भी चर्चा करें, और साथ में जो इश्यूज क्रॉप अप होते रहते हैं, पर्सनल इश्यूज हो, साथ में काम करने के इश्यूज हो, उन पे भी चर्चा होती रहे, तभी आप जो अपेक्षा आपकी वो ठीक से पूरी हो पाएगी, क्योंकि मनुष्य समझ और भाव से सुखी हो पाता है। एक दूसरे के व्यवहार से जब हम सुखी होने जाते हैं वो परतंत्र रहते हैं। तो अभी आप जो प्रयास कर रही हैं कि व्यवहार से अगला व्यक्ति सुखी हो जाए, ठीक, उसमें निरंतरता निश्चितता नहीं है, क्योंकि अगला व्यक्ति आपके व्यवहार को क्या अर्थ देगा वो तो उसके विचार पर निर्भर है। तो जब तक वो व्यक्ति सही समझ सही भाव करते खुद प्रयासरत नहीं होता, आप जैसा ही व्यवहार करें उसमें सुख की निश्चितता नहीं होगी। तो एक कार्यक्रम तो ये बनता है कि आप कुछ और स्पष्टता के लिए काम करें ताकि आपको और क्लैरिटी बने, दूसरा आपके विभाग का हर व्यक्ति कम से कम एक बार इस पूरे प्रोसेस से गुजरे, ना वो ऐसा है कि आपके साथ मिलकर नहीं करना चाहते हैं, ये दूसरे के इंटेंशन पे हमारा डाउट है, तो इसमें तो अपनी योग्यता को ही बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, जी भैया जी। दूसरी बात, ये विभाग के लोगों को, चूंकि आप विभागाध्यक्ष हैं, वर्कशॉप अटेंड करने के लिए अवसर देना तो बहुत ही सरल है, आप नियमित रूप से कुछ फैकल्टी को एक वीक के लिए फ्री कर दीजिए, ठीक है, उनको क्लासेस स्पेयर कर दीजिए, उनको जो भी आपके एकेडमिक एक्टिविटीज स्पेयर कर दीजिए, और उनके क्लासेस को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऐसा ही हम लोग करते हैं हर जगह, फिर उनको पूरा वर्कशॉप पूरे मनोयोग से ठीक से अटेंड करने दीजिए, फिर बाय रोटेशन सबको आप अटेंड करने दीजिए, इससे दोनों ही काम हो जाएगा, एक तो सारे फैकल्टी वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे, और दूसरा जो बहुत सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं ये भी नहीं होगा। हाँ जी जी भैया, अपने अंदर ऑब्जर्व करें जो स्टेप 6 पे जो असाइनमेंट है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज ध्यान में आएंगे जिन इश्यूज पर भी बात होती रही, अनिता जी ने कुछ इश्यूज रेज किए है ना, उससे पहले भी कुछ साथी इश्यूज रेज किए, तो इन पे हमारा ध्यान जाएगा और बारीकी से, और कर्नल फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। जी, आज इसी अभ्यास को बनाए रखें, कल हम लोग फिर आगे स्टेप 7 पे कल चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।